चलिए तो आज का टॉपिक फिर हम न्यूज शुरू कर रहे हैं टॉपिक और जिसका नाम है टू पॉइंट फोर पॉइंट टू बोर मॉडल की सीमाएं लिखिए पहले टू पॉइंट फोर पॉइंट टू क्या नाम है टॉपिक का बोर मॉडल की बोर मॉडल की सीमाएं बोर मॉडल की सीमाएं अब कहता है इसमें पहला पॉइंट कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से बेहतर था रदरफोर्ड भी दिए थे और किनका रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल याद कराए थे शुरू में है और इसके अपेक्षा कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या था बेहतर था तो किससे बेहतर था रदरफोर्ड करके लिख देते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल याद भी कराए थे हम नाभिकीय किए में स्पेलिंग ठीक कर लेंगे आप लोग नाभिकीय मॉडल हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु कुछ कुछ आप लोग अपने खुद भी पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड मॉडल दो टॉपिक हम लोग पढ़े थे पहला रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और दूसरा हाइड्रोजन का बोर्ड मॉडल इसमें से कौन बेहतर है हाइड्रोजन का परमाणु बोर्ड मॉडल क्या है बेहतर है बीच में से जोड़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड का किया मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है बेहतर है कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु इसके अन अन हीलियम प्लस एसी टू प्लस और बेरेलियम टू प्लस थ्री प्लस की रेखा स्पेक्ट्रम और अस्थायित्व की व्याख्या कर सकता था लेकिन बोर्ड का मॉडल निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका नहीं कर सका चलिए नहीं कर सका तो कोई दिक्कत नहीं है आयन का नाम दूसरा में लिखेंगे कौन कौन एच ई प्लस लिथियम टू प्लस और तीसरा बेरेलियम थ्री प्लस ये क्या है सभी आयन आयन मतलब चार्ज आयन मतलब चार्ज अब कहता है तीसरा हम बोलेंगे आयन के दो तीन को एग्जांपल दीजिए तो आपको क्या बताना है हीलियम प्लस एलआई आई टू प्लस और बेरेलियम थ्री प्लस ऐसे करके बताना पहला पॉइंट इसमें कहता है कि परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना द्विक जिसको कहते हैं डोबलेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा बोझिये इतना देर हम लोग मेहनत किए फिर बाद में इसको भी क्या कहा जाने लगा विफल हो गया क्या करने में विफल रहा तो स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा तो इसको तो लिखना पड़ेगा है तभी ना आपसे अगर पूछ देगा कि बोर मॉडल की सीमाएं बताएं सीमाएं का मतलब क्या क्या हुआ नहीं कर पाया क्या क्या हुआ नहीं कर पाया तो लिखिए परिष्कृत परिष्कृत स्पेक्ट्रमी स्पेक्ट्रम तो बढ़ा चुका आपको तकनीकों द्वारा तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना आपको तो पता है कि ये सब बहुत ही छोटे छोटे इसमें लाइन होते हैं और उसको समझना देखना बहुत ही कठिन होता है तो सूक्ष्म संरचना और ब्रैकेट में लिखा है द्विक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डॉबलेट अर्थात पास पास स्थित दो रेखाएं दो रेखाएं की व्याख्या करने में विफल रहा चौथा पॉइंट इसी के तीसरा के में ए बी सी कर देते हैं बी में कहता है कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम करने में भी असमर्थ रहा हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा सी नंबर उदाहरण के लिए हीलियम परमाणु जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उदाहरण के लिए किसको लाया उदाहरण में आया हीलियम का हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन आप खुद जानते होंगे इसमें दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें असमर्थ रहा और डी नंबर पॉइंट वाइज कर देंगे तो बोर का जो सीमा है वो याद करने में आपको सुविधा होगा नहीं तो याद नहीं होगा चौथा पॉइंट बोर के सिद्धांत बोर के सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा चुके हैं आपको स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन विपाटन का मतलब क्या होता है जीवन प्रभाव पाटन आपको हिंदी में दिक्कत होगा उसको कहते हैं हम लोग जीवन प्रभाव या हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाते हैं जीवन इफेक्ट और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आ, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन स्टार्क इफेक्ट अंग्रेजी में हम लोग पढ़ाते हैं स्टार्क इफेक्ट और हिंदी में भी आपको स्टार्क इफेक्ट ही लिखना है स्टार्क प्रभाव लेकिन लिखना है इफेक्ट के जगह पर क्या लिखना है प्रभाव को स्पष्ट करने में विफल रहा स्पष्ट करने में अब तीसरा पॉइंट में यह जो दिया है इसको तोड़ तोड कर लिख दिए ताकि आप इसे समझ सके नहीं तो एनसीआरटी में थोड़ा पॉइंट बड़ा हो गया है लिख लिए छोटो टॉपिक है आपका आज का बोर्ड मॉडल की सीमाएं सबसे पहले हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे तो आपको सबसे पहले बोलना है कि बोर मॉडल की सीमाएं बोर मॉडल की सीमाएं बोलना है अब हम आपसे पूछेंगे कि बोर मॉडल की सीमाएं में कौन किससे बेहतर था तो आपको याद रखना होगा कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल था रदरफोर्ड का जो नावकीय मॉडल था उससे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड मॉडल बेहतर था पहला पॉइंट बोलिएगा हम पूछेंगे कि पिछले जो क्लास में बोर्ड मॉडल की सीमाएं में पढ़ाए थे उसमें पहला पॉइंट क्या था तो आप बताएंगे कि उसमें बताया गया था कि रदरफोर्ड का नाम किया मॉडल हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड मॉडल से क्या था बेहतर था यह बताना है यह क्या है यह आपको बताना है दूसरा पॉइंट हीलियम प्लस हीलियम प्लस दूसरा आयन का नाम बताएं तो पहला बोलिएगा हीलियम प्लस दूसरा कौन बताएंगे लिथियम टू प्लस और तीसरा क्या बताएंगे बेरेलियम थ्री प्लस हम पूछेंगे उसमें आयन तीन को बताया गया था उस तीनों का नाम बता सकते हैं तो आप बोलिएगा हीलियम प्लस लिथियम टू प्लस और बेरेलियम थ्री प्लस इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वन इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सब में कितना हो गया वन धीरे धीरे इसी तरह से समझाया जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इस सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या वन है क्यों क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसमें दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा तेनसीआर टी कैसे समझ में आता धीरे धीरे समझ में आ रहा है अगला स्पेक्ट्रमी जो है परिष्कृत तकनीकों का जो है प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन आपको पता है कि तत्व में सबसे छोटा है तत्व में, साइज में सबसे छोटा है और सूक्ष्म संरचना संरचना तो समझते होंगे कितना छोटा होगा परमाणु और उसमें पास पास जो स्थित दो रेखाएं जो स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ती है हाइड्रोजन गैस को जब गर्म करते हैं ट्यूब में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे लाइट निकलता है स्पेक्ट्रम बनता है प्रिज्म के सामने तो उसके बारे में बोला कि दो रेखाएं बनती है रेखाएं पास पास जो रेखाएं बनती है कि व्याख्या करने में क्या हुआ हुआ विफल हो गए कौन विफल हो गए बोर साहब विफल हो गए ठीक है वहाँ से निकला लेकिन सब ये चीज़ चाहता है ना आदमी वही कर एक ही आदमी कर दे तो जो काम नहीं करेंगे उसमें लिखा लिखा जाएगा किताब में कि कुछ जो काम किए उसका प्रशंसा करेंगे या जो काम नहीं करेंगे दोसर से कहेंगे कि आप उससे बेहतर नहीं थे आप उससे बेहतर नहीं थे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल बेहतर है लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कि सब चीज बता में बताने में असमर्थ थे अगला दूसरा हाइड्रोजन के ही बारे में से सिर्फ बताए। उसके अलावा वह और सभी को व्याख्या करने में असमर्थ रहे जैसे हीलियम के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तब तो ठीक है लेकिन हीलियम के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है तब वह क्या हो गए असमर्थ हो गए नहीं कर पाए नहीं कर पाए तो बुक में लिखा गया उनका नाम अगला पॉइंट बोर के सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक के क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की चर्चा होगी तो उसको कहते हैं हम लोग जीमन इफेक्ट हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीमन प्रभाव और अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग जीमन अंग्रेजी में बोलते हैं जीमन इफेक्ट और हिंदी में बोलते हैं जीमन प्रभाव और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन के लिए इसके लिए स्टार्क इफेक्ट अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट और हिंदी में आपको बोलना है स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट करने में भी फर्क हुए तो दो प्रकार के इसमें भी बोर्ड क्या हो गए असफल हो गए तो जीमन इफेक्ट में भी स्टार्क इफेक्ट में भी तो मैग्नेटिक के लिए है जीमन और इलेक्ट्रिक के लिए क्या है स्टार्क इलेक्ट्रिक के लिए क्या है स्टार्क और चुंबकीय के लिए क्या है जीमन इफेक्ट आप किताब में जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में डिटेल नहीं पढ़ाया लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र किससे संबंधित है तो आपको क्या बताना है जीमन इफेक्ट और विद्युत क्षेत्र से कौन सा इफेक्ट जुड़ा हुआ है तो स्टार्क इफेक्ट टॉपिक समझ गए इतना ही जानना है इससे ज्यादा एनसीईआरटी नहीं कहता जानने लेकिन ये दोनों में क्या हो गए वो कौन विफल हो गए बोर्ड साहब तो एक तो इसमें ये दोनों इफेक्ट में हो गए ये हीलियम ये दो इलेक्ट्रॉन में हो गए हाइड्रोजन के अलावा किसी में नहीं कर पाए और पास पास जो रेखा था उसके बारे में भी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा टॉपिक समझ में आया तो हम कल पूछेंगे कि कौन किससे बेहतर था तो क्या बताइएगा कौन से कौन से टॉपिक से संबंधित बात था सो बताओ छोटी कौन किससे बेहतर था कौन सा मॉडल रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड मॉडल बेहतर था आयन का नाम बताइए तीन गो का हाँ हीलियम प्लस बेरेलियम बेरेलियम थ्री प्लस और लिथियम टू प्लस और स्पेक्ट्रमी रेखाएं में किस में वह असमर्थ हो गए पास पास रेखाओं को व्याख्या करने में क्या हो गए विफल हो गए पहला पॉइंट पास पास रेखाओं में दूसरा हाइड्रोजन के अलावा वह किसी भी परमाणु पर स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हो गए विफल हो गए हो गए ना जैसे एग्जाम्पल किसका विफल हो गए हुआ हीलियम जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था दो इलेक्ट्रॉन था चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा इफेक्ट होता है जीमन इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा इफेक्ट जीमन इफेक्ट और।, और किस में विद्युतीय में कौन सा इफेक्ट स्टार इफेक्ट तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पूछेंगे आपसे कि बोर मॉडल का कौन सा वो क्या हो रहा बोर मॉडल की सीमाएं में जब हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ाए तो सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल से हाइड्रोजन परमाणु का बोर्ड मॉडल क्या था बेहतर था पहला पॉइंट बिना देखे हुए दूसरा पॉइंट आयन की चर्चा किए थे तो आयन में तीन आयन पहला हीलियम प्लस दूसरा लिथियम टू प्लस और तीसरा बेरिलियम थ्री प्लस दूसरा पॉइंट पढ़ाए तीसरा पॉइंट में क्या पढ़ाए तीसरा पॉइंट कि पास, पास पास जो आ, स्पेक्ट्रम जो हुआ हाइड्रोजन से जो आ, स्पेक्ट्रम निकला पास पास लाइन को वो अच्छी तरह से डिटेल से नहीं समझा पाए चौथा पॉइंट हाइड्रोजन के अलावा उन्होंने अन्य तत्वों के बारे में स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र में बनता है कौन सा इफेक्ट जीमन इफेक्ट और विद्युतीय क्षेत्र में कौन सा इफेक्ट स्टार के इफेक्ट इनके बारे में भी उन्होंने व्याख्या नहीं किया तो इस तरह से पांचों पॉइंट बोल देना है अब पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक के अंतर्गत ये सब बढ़ा रहे थे तो बोर्ड का बोर्ड की सीमाएं तो अब हम पढ़ाएंगे आपको दूसरा पॉइंट इस तरह से याद करेंगे इसलिए हम स्पेशली मिटाने के बाद आपको फिर से हम दोहराते हैं और कोशिश करते हैं कि आप धीरे धीरे क्या कीजिए ब्रेन को समराइज कीजिए और अगला पॉइंट अभी तो, टॉपिक छोटा है इसीलिए आज ही और अभी ही खत्म होगा चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे कितना पॉइंट हो गया छोटा छोटी छः आप सातवां पॉइंट लिखेंगे सातवां हम ऐसे क्यों करते हैं नंबरिंग करते हैं तीसरा पॉइंट का डी हुआ, पॉइंट का हुआ। आप छोटी होगा चौथा पॉइंट तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है सभी स्टूडेंट हम सिर्फ नंबरिंग इसलिए करते हैं नंबरिंग में कोई बहुत चीज नहीं है आपको याद करने में सुविधा होगा कि पहला नंबर हम बोल दिए दूसरा नंबर बोल दिए तीसरा बोल दिए चौथा बोल दिए और पांचवा बोल दिए समझ गए ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा नंबर नहीं बोल पाए कहता है अंत में अंत में कौमा यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों रासायनिक आबंधों द्वारा अनु बनाने की योग्यता द्वारा बनाने की बनाने की योग्यता की व्याख्या की व्याख्या नहीं कर सका जब आपका कमजोरी खोजने की बात होगी तो बहुत सारा चीज खोजा जा सकता है। अब देखिये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग से रासायनिक आबंध रासायनिक आबंध बेचारा वो हाइड्रोजन पर काम कर रहा था तो कहा कि केमिकल बॉन्डिंग का कहे का नहीं काम किया केमिकल बॉन्डिंग का कहे का नहीं काम किया जैसे आपको को कोई कहेगा किंतु पटना में कहे पढ़ा और कोई शहर नहीं है दुनिया में लखनऊ कोटा दिल्ली हैदराबाद इसलिए इसमें ही गड़बड़ी है इसमें अगर गड़बड़ी नहीं है तो इसके गार्जियन में गड़बड़ी है इसके गार्जियन में गड़बड़ी नहीं है तो इसके गांव वाले में गड़बड़ी है क्यों नहीं भेजा हैदराबाद कोलकाता लंदन लंदन क्यों नहीं भेजा तो उसी तरह से इनको भी बोर साहब को बोर साहब को भी परेशान किया गया कि आपने काम तो जैसे वो बोलते होंगे कि हम ये कर दिए वो कर दिए बात समझ रहे हैं कि नहीं बोर क्योंकि उनका दोस्त भी तो बहुत पावरफुल था दूगो कौन कौन था दो दो दोस्त था क्या नाम था उनका दोनों दोस्त का जे जे थॉमसन और दूसरा रदरफोर्ड रदरफोर्ड तो तो था वो बोलते होंगे कि हमने तो ये कर लिए वो कर लिए ठहरिए क्या किए सो हम आपको बताते हैं ना किताब में जब लिखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या किए तो वह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सके मैंने यहां तक वो नहीं पहुंचे तो हो गया अब बेचारे उस शांत तो होंगे कि काम तो हम किए काम तो हम किए लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तक नहीं पहुंचे। तो ये है तरीका समझ गए खाली गांव घर दोस्त यार में ही आलोचना नहीं होता है कमी उसका नहीं गिनाया जाता है यहां किताब में भी कमी गिनाया जाता है कि बोर मॉडल अगर आप ठीक है नील्स बोर हैं आपने बहुत मा किया बहुत बड़ा का बड़ा किया तो क्या सब आपने नहीं किया वो भी क्या होगा लिखाएगा जो व्यक्ति में काम काम किए जो आएगा आएगा डॉट स्ट्रक्चर का नाम आएगा, तो तो खुश होंगे ना कि हम इसे क्या किए आगे का काम किए याद रहेगा इतना इसलिए बैकग्राउंड में इतना बोल देते हैं ताकि आपको स्टोरी में क्या हो याद हो तो ये हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में कि बोर्ड मॉडल की सीमाएं में कहा जाकर लास्ट हुआ था तो बताइएगा यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा अनु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका व्याख्या नहीं कर सका तो यह साइंस में भी होता है और आर्ट्स में भी होता है और गांव घर में भी होता है सभी लोगों की शिकायत समझ गए या वह किताब की बात हो तो किताब में भी लिखाएगा कि इन्होंने यह काम नहीं किया इन्होंने यह काम नहीं किया टॉपिक समझ में आया हुँ? जैसे हम एक इंग्लिश का किताब छोटा सा लिखे थे तो उसमें हम वर्ड लिख दिए थे मीनिंग लिख दिए थे लेकिन उसमें उच्चारण नहीं लिखे थे तो रोज शिकायत था कि सर आप किताब तो लिख दिए उच्चारण नहीं लिखे कैसे होगा तो यह होता है तो खुश रहना है टेंशन नहीं लेना है तो यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया और अभी आगे का टॉपिक हम एक और टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग इधर उधर ना जाए hmm. तो बोर्ड मॉडल की सीमाएं बोर्ड मॉडल की सीमाएं आपका आज समाप्त हो गया और इसके जस्ट